विच इज नॉट अ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, यानी इन सारे ऑप्शंस में से कौन प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट नहीं है, प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है CO2, ऑप्शन बी नाइट्रिक एसिड HNO3, ऑप्शन सी सल्फर ऑक्साइड यानी वैसे कंपाउंड्स, वैसे यौगिक जिसमें सल्फर और ऑक्सीजन होता है, जैसे SO, SO2, SO3, S7O2 एटसेट्रा। ऑप्शन डी हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स, सी और एच के यौगिक। अगर हम लोगों को पता होगा कि प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट यानी प्राथमिक वायु प्रदूषक किसे कहते हैं, देन इट विल बी इजियर टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट अ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट इज। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट का मतलब वैसे पॉल्यूटेंट्स, वैसे प्रदूषक जो किसी भी सोर्स से, किसी भी स्रोत से डायरेक्ट इमिट होते हैं, डायरेक्ट उत्सर्जित होते हैं, डायरेक्ट निकलते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, सल्फर ऑक्साइड एटसेट्रा। ये तो हुई प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स की बात। अब यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स किसे कहते हैं। वैसे एयर पॉल्यूटेंट्स, वैसे प्रदूषक जो रासायनिक प्रतिक्रिया से यानी कि केमिकल रिएक्शंस के द्वारा हमारे लोअर एटमोसफेयर में यानी कि निचले वातावरण में बनते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं ओजोन या फिर एरोसोल, एरोसोल यानी कि धुंध, हेज। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट अभी भी अगर क्लियर नहीं हुआ है तो इस फिगर से समझ सकते हैं। इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि ऑटोमोबाइल्स से यानी कि गाड़ियों से, वोल्केनोज से, फैक्ट्रीज से जो डायरेक्ट इमिशन हो रहा है वो SO2, NO, NO2, CO, CO2 ये सारे हैं। ये सारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं क्योंकि इनका डायरेक्ट इमिशन हो रहा है, और यही प्राथमिक वायु प्रदूषक हमारे लोअर एटमोसफेयर में फर्दर केमिकल रिएक्शन करके HNO3, SO3, H2SO4 इन सारे कंपाउंड्स में चेंज हो जाते हैं। होप कि अब आप लोग समझ गए होंगे। सो लेट्स मूव अहेड। इसका आंसर क्या होगा? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है। HNO3 कलरलेस लिक्विड होता है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स ये सारे प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट हैं। सो लेट्स मूव फर्दर टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देन राइट इट डाउन इन योर कॉपी टू इवेल्युएट योर फाइनल स्कोर एट द एंड ऑफ द वीडियो। वेयर डज द थर्मल पॉल्यूशन इनिशियली टेक प्लेस, यानी कि ऊष्मीय प्रदूषण प्रारंभ में कहाँ होता है। ऑप्शन ए ओशियन यानी महासागर, ऑप्शन बी सी यानी समुद्र, ऑप्शन सी रिवर यानी नदी, ऑप्शन डी पोंड यानी तालाब। अगर हम लोगों को पता होगा कि ऊष्मीय प्रदूषण यानी थर्मल पॉल्यूशन किसको कहते हैं तो हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। फैक्ट्रीज में, कारखानों में जो वेस्ट वाटर निकलता है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तापमान बहुत ज्यादा होता है। उस वेस्ट वाटर को हम लोग जब ऐसे ही प्राकृतिक जल में यानी कि नेचुरल वाटर बॉडीज में जैसे कि रिवर में, नदी में ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसके टेम्परेचर को बिना कम किए ऐसे ही डिस्चार्ज कर देते हैं, यही थर्मल पॉल्यूशन है एंड इट इज वेरी हार्मफुल टू द एनवायरमेंट। तो अब तक हम लोग समझ गए होंगे कि थर्मल पॉल्यूशन स्टार्टिंग में, सबसे प्रारंभ में कहाँ पे होता है। एब्सोल्युटली राइट, आंसर इज ऑप्शन सी रिवर नदी। When did India enter into the second stage of demographic transition? यानी भारत ने जनसंख्यांकीय संक्रमण के दूसरे चरण में कब प्रवेश किया? इसका आंसर करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जनसंख्यांकीय संक्रमण का यानी कि demographic transition का first phase, second phase ये सारी चीजें क्या हैं? This video will be including all the important points. I will make sure that nothing is left out. Let's have a look. ये टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ को यानी कि जनसंख्या के ग्रोथ को शो कर रही है। डिकेडल का मतलब 10 ईयर्स। इस टेबल में हम लोग देख सकते हैं कि 1921 में पॉपुलेशन फर्स्ट टाइम डिक्रीज की है, उसके बाद पॉपुलेशन कभी भी डिक्रीज नहीं की है, हमेशा वो इंक्रीज की है, हमेशा प्लस में रहा है वैल्यू। यही कारण है कि 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है।
इस टेबल में डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ के फोर फेजेस को दिखाया गया है। फर्स्ट फेज 1901 से शुरू होकर 1921 तक है, सेकेंड फेज 1921 से शुरू होकर के 1951 तक है, थर्ड फेज 1951 से 1981 तक है और फोर्थ फेज 1981 से कंटिन्यू है। नाउ वी आर एब्सोल्युटली एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, इंडिया सेकेंड फेज में कब इंटर किया? 1921 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेज टाइप, इनमें से कौन सा मक्का का किस्म नहीं है, यानी कि मक्का का टाइप नहीं है? ऑप्शन ए डेंट, ऑप्शन बी पॉप, ऑप्शन सी वैक्सी, ऑप्शन डी क्राउन। हम लोग मक्का यानी मेज खाते हैं तो हम लोग कभी भी ऐसा नहीं सोचे होंगे कि इसका भी टाइप हो सकता है, हमें तो सारा सेम ही लगता है, या ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचे होंगे कि एंट्रेंस एग्जाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बट यस, दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। लेट्स हैव अ लुक बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। मक्का यानी मेज के टोटल 7 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट डेंट कॉर्न, सेकेंड फ्लिंट कॉर्न, थर्ड पॉपकॉर्न, फोर्थ फ्लोर कॉर्न, फिफ्थ स्वीट कॉर्न, सिक्स्थ पॉड कॉर्न एंड लास्ट सेवेंथ वैक्सी कॉर्न। इनमें से कुछ के इमेज हैं हमारे पास। डेंट कॉर्न ऐसे होते हैं, स्वीट कॉर्न इनमें थोड़ी सी टेढ़ी लाइन होती है, फ्लिंट कॉर्न, पॉपकॉर्न, फ्लोर कॉर्न, पॉड कॉर्न। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी क्राउन। क्राउन इज नॉट द टाइप ऑफ मेज। मार्क द ऑड आउट ऑफ द फॉलोइंग, इन सारे ऑप्शंस में से कौन अलग है, यहाँ पे हमें ये बताना है। ऑप्शन ए डेट्स यानी खजूर, ऑप्शन बी कोकोनट यानी नारियल, ऑप्शन सी फिग यानी अंजीर, ऑप्शन डी बनाना यानी केला। इसमें हम लोग ऑड को आसानी से पिक आउट कर सकते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फिग यानी अंजीर, बिकॉज ऑल ऑफ दीज फोर आर फ्रूट्स फ्रॉम ट्रीज बट अंजीर को हार्वेस्ट किया जाता है। फिग इन्वर्टेड फ्लावर्स होते हैं, उल्टे फूल होते हैं, जिनके पॉलिनेशन के लिए, परागण के लिए फिग वास्प्स यानी कि हड्डी की जरूरत होती है। फिग वास्प्स हड्डी की एक पुरानी प्रजाति है जो अंजीर के अंदर अपने अंडे देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली रिच इन ग्लूटेन, यानी इन सभी ऑप्शंस में से किसमें लस सबसे ज्यादा होता है, ग्लूटेन सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन ए राइस यानी चावल, ऑप्शन बी टेपियोका, टेपियोका सैगो यानी कि साबुदाने को कहते हैं, पाउडर्ड फॉर्म टेपियोका कहलाता है, ऑप्शन सी कॉर्न यानी मक्का, ऑप्शन डी व्हीट यानी गेहूं। इसका आंसर होगा व्हीट यानी गेहूं। यही कारण है कि राइस, कॉर्न और टेपियोका के कंपैरिजन में व्हीट की रोटियां आसानी से गोल बन जाती हैं और फूल भी जाती हैं। दिस इज द रीजन कि ग्लूटेन यानी लस के कमी के कारण बाजरे और मक्के की रोटियां ज्यादा नहीं फूलती हैं। एल्बिडो ऑफ द अर्थ हैज टू डू विद व्हाट, पृथ्वी के एल्बिडो का संबंध किससे है? ऑप्शन ए रेडिएशन यानी विकिरण, ऑप्शन बी डिफ्यूजन यानी प्रसार, ऑप्शन सी डिस्पर्सन यानी फैलाव, ऑप्शन डी रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। अल्बिडो के बारे में बता दूं कि अल्बिडो इज द मेजर ऑफ रिफ्लेक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, यानी अल्बिडो जो है वो किसी भी वस्तु के रिफ्लेक्टिविटी का मेजर है। द लोअर द अल्बिडो द मोर रेडिएशन फ्रॉम द सन दैट गेट्स एब्जर्ब्ड बाय द प्लैनेट एंड टेम्परेचर्स विल राइज। एल्बिडो की वैल्यू तब कम होती है जब सन के ज्यादा से ज्यादा रेडिएशंस प्लैनेट एब्जर्व कर लेते हैं और प्लैनेट का टेम्परेचर राइज कर जाता है। इफ द एल्बिडो इज हायर एंड द अर्थ इज मोर रिफ्लेक्टिव, मोर ऑफ द रेडिएशन इज रिटर्न टू स्पेस एंड द प्लैनेट कूल्स। जब एल्बिडो की वैल्यू ज्यादा होती है और अर्थ ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्टिव होता है, यानी कि सन से आए रेडिएशंस को वो स्पेस में रिटर्न कर देता है, तब प्लैनेट कूल हो जाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। विली विलीज आर ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स ऑफ, विली विलीज जो है वो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स है, उष्णकटिबंधीय तूफान है, कहाँ का? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी चाइना या ऑप्शन डी कनाडा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। विच डज मेनली इंड्यूस ग्लोबल वार्मिंग,
ग्लोबल वार्मिंग को मुख्य रूप से इन सारे ऑप्शंस में से कौन प्रेरित करता है, कौन इंड्यूस करता है? ऑप्शन ए वॉल्केनिक इरप्शंस, ज्वालामुखी विस्फोट, ऑप्शन बी इंसुलेशन सूर्यताप, ऑप्शन सी प्लेट्स कोलाइजन प्लेटों का टकराना, या ऑप्शन डी ह्यूमन एक्टिविटीज मानवीय गतिविधियां। 2014-2014 के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 95% साइंटिस्ट्स श्योर थे कि ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ह्यूमन एक्टिविटीज मानवीय गतिविधियां। ओजोन डिप्लेशन टेक्स प्लेस इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? ओजोन रिक्तिकरण वायुमंडल की किस परत में होता है? ऑप्शन ए मेसोस्फेयर मध्यमंडल, ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, ऑप्शन सी ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी थर्मोस्फेयर बाह्य वायुमंडल। ओजोन डिप्लेशन जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ओजोन क्या होता है। इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन का एक एटम है। दो ऑक्सीजन के एटम मिलके O2 मॉलिक्यूल बनाते हैं और ऑक्सीजन के तीन एटम्स मिलके O3 यानी कि ओजोन बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग देख के समझ सकते हैं कि सन से जो भी रेडिएशंस आते हैं, यूवी लाइट आती है, उन सभी रेज से ओजोन लेयर अर्थ को बचाती है। इस फिगर को देख के हम लोग समझ सकते हैं कि अर्थ के सबसे नजदीक ट्रोपोस्फेयर है यानी कि क्षोभ मंडल, उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल, उसके बाद मेसोस्फेयर यानी मध्य मंडल, उसके बाद है थर्मोस्फेयर यानी बाह्य मंडल, और लास्ट में है बही मंडल यानी एक्सोस्फेयर। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल। फॉर टुडे दैट्स इट।